अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करता हूं आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्मेड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी की न्यू आने वाली जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी इन जॉब्स के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपने हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इसके तमाम स्टेप्स अच्छी तरह समझ आ जाए कि इसमें कौन कौन सी आसामियाँ हैं। और आपने हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर करना है ताकि हमारे इस वीडियो से किसी और का भला हो जाए। दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे के निशान को लाजमी दबा दें। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं इस तरह की जॉब्स के रिलेटेड कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और आप मेरी वीडियो से सबसे पहले फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों हजरात के लिए असामियाँ हैं और इसके अलावा यहाँ पर इसमें प्राइमरी से लेकर बैचलर तक तमाम हजरात के लिए असामियाँ हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ इसमें कौन कौन सी असामियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर इसमें हमारे पास पहले नंबर पर यह जो पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, इसके लिए जो आपको स्केल में 14, इसके लिए टोटल 2 असामियाँ, इसमें तलीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, इसके लिए जो आपको स्केल में 14, इसके लिए टोटल 1 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत BA होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, इसके लिए जो आपको स्केल में 12, इसके लिए टोटल 1 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत ग्रेजुएट होनी चाहिए। चौथे नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके लिए जो आपको स्केल में 12, इसके लिए टोटल 5 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत BA होनी चाहिए। पांचवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की, इसके लिए जो आपको स्केल में 11, इसके लिए टोटल 3 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए। छठे नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है कंप्यूटर टेक्नीशियन की, इसके लिए जो आपको स्केल में 9, इसके लिए टोटल 1 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत FA FSC होनी चाहिए। सातवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन की, इसके लिए जो आपको स्केल में 11, इसके लिए टोटल 4 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आठवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है एयर कंडीशनर मैकेनिक की, इसके लिए जो आपको स्केल में 10, इसके लिए टोटल 1 असामी है, इसमें तलीमी काबिलियत FA FSC वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। नौवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है इक्विपमेंट मैकेनिक की, इसके लिए जो आपको स्केल में 10, इसके लिए टोटल 1 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत FSC वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। दसवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है इलेक्ट्रोमेडिकल टेक्नीशियन की, इसके लिए जो आपको स्केल में 9, इसके लिए टोटल 2 असामी है, इसमें तलीमी काबिलियत FSC होनी चाहिए। ग्यारहवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसके लिए जो आपको स्केल में 9, इसके लिए टोटल 1 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए। बारहवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है स्टोरमैन की, इसके लिए जो आपको स्केल में 9, इसके लिए टोटल 2 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत FA होनी चाहिए। तेरहवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, इसके लिए जो आपको स्केल में 7, इसके लिए टोटल 16 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए। चौदह नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की, इसके लिए जो आपको स्केल में 9, इसके लिए टोटल 2 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत FSC होनी चाहिए। पंद्रहवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है लेफ्ट ऑपरेटर की, इसके लिए जो आपको स्केल में 6, इसके लिए टोटल 2 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत मिडल होनी चाहिए। सोलहवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है ड्राइवर की, इसके लिए जो आपको स्केल में 4, इसके लिए टोटल 5 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत प्राइमरी पास होनी चाहिए। सतारवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है स्ट्रेचर व्हीलचेयर बैरियर की, इसके लिए जो आपको स्केल में 1, इसके लिए टोटल 4 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत लेटरेट होनी चाहिए। अठारहवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है वेटर की, इसके लिए जो आपको स्केल में 1, इसके लिए टोटल 2 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत लेटरेट होनी चाहिए। उन्नीसवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है नायब कासिद की, इसके लिए जो आपको स्केल में 1, इसके लिए टोटल 10 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत प्राइमरी पास होनी चाहिए। बीसवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है कॉक की, इसके लिए जो आपको स्केल में 2, इसमें टोटल 3 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत प्राइमरी पास होनी चाहिए। बाईसवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है मालिक की, इसके लिए जो आपको स्केल में 1, इसके लिए टोटल 1 असामी है, इसमें तलीमी काबिलियत लेटरेट होनी चाहिए। तेईसवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है स्वीपर की, इसके लिए जो आपको स्केल में 1, इसके लिए टोटल 4 असामी है, इसमें तलीमी काबिलियत लेटरेट होनी चाहिए। चौबीसवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है स्वीपर फीमेल की, इसके लिए जो आपको स्केल में 1, इसके लिए टोटल 6 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत लेटरेट होनी चाहिए। पच्चीसवें नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है लेबर की, इसके लिए जो आपको स्केल में 1, इसके लिए टोटल 2 असामी, इसमें तलीमी काबिलियत लेटरेट होनी चाहिए और इसमें टोटल 90 असामी है और इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपको आगे कोटे वगैरह का बता दिया गया है। दोस्तों इसके दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2019 है और इसके अलावा यहाँ पर इसमें सिर्फ 4 लिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसमें टेस्ट के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कोई TAD नहीं दिया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारों को मेडिकल के मरहले से गुजरना होगा
और इसके लिए यहाँ पर नाम मुकम्मल दरखास्तें काबिल कबूल नहीं की जाएंगी। और इसके लिए यहाँ पर दोस्तों इसमें जो उम्र कैद रखी 18 से 25 साल होनी चाहिए और जबकि मजदूर अफराद के लिए 18 से 40 साल होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपने www.uts.com.pk के वेबसाइट से आपने जिस असामी के लिए अप्लाई करना हो आपने उसका फॉर्म निकलवा लेना है। आपने इस फॉर्म को पुर करके एक पते पर सेंड करना है। दोस्तों यह पता आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा और मैं आपको इस फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को ईजिली रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस डेली बेस पे मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।